प्रदेश भाजपा के आह्वान पर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल एवं जिला प्रभारी शिव वर्मा के निर्देशानुसार भाजपा दक्षिण मंडल के पदाधिकारियों ने कहनापुरी एवं लखोली के वार्ड में पहुंचकर वॉल पेंटिंग करते हुए जमकर नारेबाजी करी और सरकार की उदासीनता को लेकर उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया। कई हितग्राहियों के मकान अधूरे पड़े हैं तो राशि उन्हें नहीं मिल पा रही है। मोर आवास मोर अधिकार के तहत भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर के सभी वार्डों में पहुंचकर प्रदेश की उदासीन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गड्ढा तो दो हाँ हो गया, इसने खनाते पटाते अभी फिर खाने हो गए। क्या बोलते थे निगम वाले? निगम वाला है, निगम वाला नहीं आया, वो इंजीनियर मनाते है गड्ढा खन दे बोली फिर खाने हो। कलम गड्ढा एक घाव पटा के खाने रहे होते, फिर अभी ये चार पाँच दिन हो फिर खाने हो। क्या बोलते इंजीनियर? कहाँ होगा खन दे भर की होकर पता देंगे अही था बात वैसे कही देते वापस नहीं करे बोले निगम लड़का मन गए रही से। मोर आवास मोर अधिकार पे आप लगातार काम कर रहे हैं, आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मोर आवास मोर अधिकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था कि इंसान जीवन भर कमाता है पर एक पक्का मकान नहीं बना पाते, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने सबके लिए पक्के मकान की योजना बनाया और 2014 से जब देश के प्रधानमंत्री बना प्रथम बार तभी से उन्होंने गरीबों के लिए चाहे बैंक में खाता खोलने की बात हो, गैस सिलेंडर देने की बात करें, शौचालय बनाने की बात करें और हर व्यक्ति के हर परिवार के लिए पक्का बनाने के बाद लगातार उनका एक मन में तो चालू हुआ 2014 से। और आज जिस प्रकार इस जिले से अपन बात करें तो जिले में इतने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास बनना बाकी है, अभी हम 400 पंचायत लगातार जा रहे हैं, पूरे पंचायत में हर पंचायत में कहीं 50 कहीं 100 कहीं 150 ऐसे लोगों का मकान अभी तक नहीं बना है और नहीं बने के कारण कि कुल मिला के सरकार जो बैठे प्रदेश में 3 साल से 1 रुपया भी गाँव में पंचायत में 1 रुपया पैसा दे दिया और पैसा नहीं देने के कारण एक भी मकान 3 साल में नहीं बन पाया। 3 साल पहले बनने वाला मकान अभी तक नहीं बन पाया, उसके बाद 2016 का जो DPR बना है उनका भी आवास आना है पर वो अभी जो पिछले वाले का नहीं बने क्या उनका भी नहीं आ पाया। ऐसे लगातार पूरे प्रदेश में 8 लाख मकान गरीबों का बनना है पर ये सरकार जब से प्रदेश में बैठा है इनको सिर्फ किसान गोबर इसी में उलझा हुआ है और प्रधानमंत्री आवास के लिए अपना राशि नहीं देने के कारण सरकार नहीं देने के कारण प्रधानमंत्री आवास कहीं नहीं बन पाया। और ये सरकार पूरी तरह जब घोषणा पत्र में इनका क्रमांक 8 में स्पष्ट उल्लेख था शहरी और गरीबी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास का राशि दिया जाएगा पर इसे प्रधान देश में इस प्रदेश में सरकार बनने के बाद 1 रुपया प्रधानमंत्री आवास के किसी भी गांव पैसा नहीं देने के कारण प्रधानमंत्री आवास नहीं बना। आज लोग में बहुत पीड़ा है, लोग में बहुत नाराजगी है सरकार के प्रति कि सचमुच में जब देश के प्रधानमंत्री 60% पैसा दे रहे हैं गरीबों के लिए तो 40% इनको देना है, वो अपनी राशि नहीं दे पा रहे और सरकार एक तरफ 4 वर्ष की उपलब्धि मना रहे हैं, गरीबों के भी चेहरे में खुशी नहीं है पर सरकार खुशी मना रही है कि हम 4 साल बहुत बड़े काम किए कि उपलब्धि मना रहे हैं। मैं क्या इनके 4 साल की उपलब्धि पूरी तरह फेल है, सरकार कुछ नहीं कर पाया जनता के हित में, एक सड़क का गड्ढा नहीं पड़ पाया, सड़क जो बना उखड़ा उखड़ा पड़ा है, ये सरकार सिर्फ किसान और गोबर और नरवा गरवा घुरवा की बात करके अभी नाचा कबड्डी खेलकूद जो करा रहे हैं पैसा एक नहीं है, पूरा अधिकारी कर्मचारी उलझा दिए और जनता के हित में इन्होंने कोई काम नहीं किया इसलिए कई गरीबों के प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे हैं। कई लोग किस्त के लिए भटक रहे हैं, साल साल भर से एक किस्त, किसी दूसरा किस्त, किसी तीसरा किस्त और जैसे दूसरा किस्त होता है तीसरा किस्त उसके बाद बताओ आपका मकान बड़े बन गया अचानक फैल जाता मकान ऐसे।